यूपी में बलरामपुर में दिनेश कुमार पुत्र राम प्रसाद निवासी बरदौलिया भड़सैया थाना हरिया ने गुरुवार थाने पर लिखी तहरीर देते हुए बताया कि मैं एसएसबी का जवान हूँ जो असम में कार्यरत हूँ। मैं छठी पर्व पर छुट्टी लेकर आया था। घर पर पहुंचने के बाद उनकी पत्नी विजय लक्ष्मी में बदलाव नजर आए। दूसरे दिन रात में पत्नी ने एसएसपी जवान दिनेश कुमार को खाने में जहर दिया। शक के आधार पर दिनेश ने खाना नहीं खाया, बाहर फेंक दिया। बुधवार सुबह ड्यूटी पर जाने लगे तो सरकारी कागजात व सामान नहीं दिया। घर के अंदर तीन बच्चों के साथ शटर को बंद कर लिया। घंटों तक शटर नहीं खोलने पर दिनेश कुमार ने पीआरवी डायल 112 पुलिस को सूचित कर जानकारी दी। पुलिस ने अथक प्रयास के बाद खाली हाथ वापस लौटाई। थाना प्रभारी निरीक्षक अखिलेश कुमार पांडे ने बताया कि तहरीर मिलने के बाद मौके पर जाकर मामले को शांत करा दिया गया। आपका शुभ नाम क्या हो? मेरा नाम दिनेश कुमार गुप्ता है, मैं जॉब करता हूँ और ये मैं आज ड्यूटी ज्वाइनिंग करने जा रहे थे। ये मेरा बेडिंग और सामान नहीं दे रही है, काफ़ी समय से मेरा विवाद चल रहा है, कोर्ट में भी चल रहा है और ये मेरे को जहर दे रही थी खाने के लिए। कौन है जो जहर दे? मेरी वाइफ है। किस माध्यम से आपको जहर दे रही थी? ये खिचड़ी बना के रखी थी, खिचड़ी में डाली, रात के टाइम था, अंधेरा का फ़ायदा उठाते हुए इसने डालने की कोशिश की, खिलाने की माँ बेटी ने इसमें। कैसे आपको पता चला? मैं जब खाली खा के पीने शुरू किया तब थोड़ा मुंह के पास गया और नाक के दोनों साथ में होते हैं तो सेंट आया। मैंने उससे पूछा गया कि क्या है, तो उसने बताया घी है। तो मैं बताया कि घी नहीं है, इसको दिखाओ मेरे को। जैसे मोबाइल निकाला तो मोबाइल मेरा छीना गया, मोबाइल छीन के और माँ बेटी ने मेरे पिलाने की ज़बरदस्ती कोशिश किया गया। उसके बाद में मैं वहाँ से भागा, भाई के पास गया, बताया सारी बात कहानी। 112 पर डायल किया गया, 112 आया, सारे से बोला थाने पर आ जाओ। उसके बाद कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई हमारी, कोई सुनवाई नहीं हो रही हमारी। क्या चाहते हैं आप? हम न्याय चाहते हैं कि हमारी ये जान का प्यारा नहीं है, हमारी वाइफ है तो हमको जान नहीं है, मेरा प्यारा नहीं है तो मेरे लायक नहीं है वो। इस संबंध में आपने थाने पे कोई एप्लीकेशन दिया? मैं एप्लीकेशन FIR दर्ज 11 बजे रात की कर चुका हूँ। कोई कार्रवाई नहीं? अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही हमारी। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।